नमस्कार दर्शकों, यह है मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर 10 को सुनवाई। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हायर याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने के 15 साल पुराने मामले में हुई ही उनकी दोष सिद्धि को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालय 17 मार्च के आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की याचिका पर न्यायमूर्ति के एक एफ जोएफ और बीबी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के राज्य को अब्दुल्ला के मामले में 3 सप्ताह में अपील का जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन सत्र अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय दोष सिद्धि को निलंबित करने की अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। गत 29 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा को याचिका की प्रति यूपी सरकार के वकील को देने के लिए कहा था और मामले की सुनवाई 5 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की। तब सुनवाई के दौरान तन्खा ने तर्क दिया था कि अपराध के समय अब्दुल्ला खान नाबालिग थे। ये कांग्रेसी कब कहेंगे एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। आगामी 16 अप्रैल को महाविकास आघाड़ी के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक नागपुर में होने जा रही है। इससे पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा और निलंबन को लेकर कांग्रेस के शहर में कई स्थानों पर आक्रामक रूप दिखाया, लेकिन अब तक यह बात समझ से परे है कि आखिर कांग्रेस के नेता अब तक यह क्यों नहीं समझ पा रहे कि उन्हें एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। अब भी जो आंदोलन हो रहे हैं वह गुटों में बंटे हुए नजर आते हैं। आम नागरिकों का कहना है कि अपने राष्ट्र नेता के लिए भी अगर कांग्रेस से अपनी गुटबाजी नहीं छोड़ पा रहे तो फिर आने वाले समय में ये सत्ता पक्ष से मुकाबला कैसे कर सकेंगे। नागपुर में कांग्रेस के नेता एक साथ एक मंच पर जब तक नजर या नहीं कहेंगे कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, लोगों का विश्वास जीतना उनके लिए इतना आसान साबित नहीं हो सकता। लोग तो यह भी कहते हैं कि शहर के इन नेताओं को फडणवीस और गडकरी से सीख लेनी चाहिए, जो अपने बीच के मतभेदों को भुलाकर अक्सर यह मंच पर आने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, अब भी कांग्रेस के नेता समझ जाते हैं तो देर आए दुरुस्त आए कहकर ही सही उन्हें कुछ फायदा हो ही सकता है। हाईकोर्ट ने दिया झटका, पारसे ने वापस लिया आवेदन। नागपुर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को शहर के बहुचर्चित मराठा अजित गुणवंत पारसे को डॉक्टर से 4,34,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया, इसलिए पारसे ने संबंधित आवेदन वापस ले लिया है। इस मामले पर न्यायाधीश अनिल पानसरे के समक्ष सुनवाई हुई। सत्र न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आवेदन को नकार दिए जाने के बाद पारसे ने हाईकोर्ट का रुख। सरकारी वकील अधी एम जे खान ने कई ठोस सबूतों को सामने रख कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रहा कि मामले की जांच को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पारसे की गिरफ्तारी आवश्यक है, इसलिए हाईकोर्ट ने पारसे को गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इनकार कर झटका दिया। पारसे पर डॉक्टर राजेश मुरकुटे को होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से करोड़ों रुपए की निधि दिलाने के नाम पर 4,50,000 रुपए हड़पने का आरोप है। इस मामले में उसके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 384, 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत FIR दर्ज की है। इसके अलावा उस पर वलजा ड्राइविंग स्कूल के संचालक मनीष वजलवार से भी करोड़ों रुपए की CAR दिलाने के लिए 18,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।